आईपीएल 2022 इस बार हर किसी को दंग कर रहा है। जहां पॉइंट्स टेबल में अगर आप देखें तो दो सबसे बेहतरीन टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस अंक तालिका में सबसे लास्ट में नजर आ रही हैं। मुंबई 5 मैचों के बावजूद भी 2 अंक हासिल नहीं कर सकी, यानी कि एक भी जीत नसीब नहीं हुई है 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम को। लेकिन अभी भी उम्मीदें बरकरार हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम क्वालिफाइंग कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, मुंबई इंडियंस आईपीएल के 2 सीजन में शुरुआती 5 मैच हारने वाली पहली टीम बन गई है। इससे पहले उसे 2014 में भी लगातार 5 हार मिली थी। इसके अलावा 2012 में डेक्कन चार्जर्स, 2013 में दिल्ली कैपिटल्स और 2019 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम भी लगातार 5 शुरुआती मैच गवा चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुंबई की टीम अभी भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है, क्योंकि ये फैंस जानना चाहते हैं। आपको बता दें कि रिकॉर्ड बताता है कि मुंबई की टीम ऐसा कर चुकी है। 2014 में भी टीम लगातार 5 मैच हारने के बावजूद भी प्लेऑफ में जगह बनाने में सफल रही थी। लेकिन इस बार T20 लीग में 8 की जगह 10 टीमें उतरी हैं। ऐसे में ये करना बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन 2014 के आईपीएल के अंतिम लीग मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से हुआ था। राजस्थान ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 189 रन का अच्छा स्कोर बनाया था। संजू सैमसन और करुण नायर ने अर्धशतक लगाया था। मुंबई को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए रन चेस करना था महज 15वें ओवर की 4थी गेंद तक, और अगर ऐसा करते तो क्वालिफाइंग कर जाते अच्छे नेट रन रेट और पॉइंट के साथ। कॉरी एंडरसन की आतिशी पारिश खेलकर सिर्फ मुंबई को जीत दिलाई बल्कि प्लेऑफ में भी पहुंचा दिया था। न्यूजीलैंड के आक्रामक बल्लेबाज कोरी एंडरसन ने 44 गेंदों पर नाबाद 95 रन बनाए थे। 9 चौके 6 छक्के जड़े थे, यानी 72 रन सिर्फ बाउंड्री से बनाए थे। अंबाती रायडू ने भी 10 गेंदों पर 5 चौके 1 छक्के की मदद से 30 रन बनाए। कप्तान रोहित ने भी 11 गेंदों पर 16 रन बनाए। मुंबई को अंत में 1 गेंद पर 2 रन चाहिए था। पहली गेंद खेल रहे आदित्य तारे ने जेम्स फॉकनर पर छक्का जड़कर यादगार जीत दिला दी थी। फॉकनर ने 3.4 ओवर में 54 रन दिए थे। इसके अलावा शेन वॉटसन ने 2 ओवर में 33 रन लुटाए थे। मुंबई की टीम अंत में 14 लीग में से 7 मैच जीतने में सफल रही थी। उसकी और राजस्थान दोनों के 14-14 अंक थे, लेकिन अच्छे नेट रन रेट के कारण वे प्लेऑफ में पहुंच गई थी। लेकिन उसे एलिमिनेटर के मुकाबले में सीएसके से 7 विकेट से हार मिली थी और टीम फाइनल में जगह नहीं बना सकी थी। फाइनल मुकाबला केकेआर ने जीता था, उसने फाइनल में पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया था। लेकिन अभी भी मौका है कि अगर बचे हुए 9 के 9 मुकाबले मुंबई इंडियंस अच्छे नेट रन रेट के साथ जीत जाते हैं तो पूरी अपॉर्चुनिटी होगी इनके पास कि आगे ये पहुंच सके क्वालिफाइंग मुकाबले तक। लेकिन बाकी टीमों की हार जीत पर तय रहने वाला है। तो यानी कि अब मुंबई 5 बार की चैंपियन बाकी टीमों की हार जीत पर निर्भर रहेगी और अपने खिलाड़ी और अपनी टीम को अगले ऑक्शन तक के लिए कुछ ऐसे समेट के रखना चाहेगी कि अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अगले सीजन में उतरें। और बदलाव तो काफी होने वाले हैं अगले कुछ मुकाबलों में और अगले मेगा ऑक्शन में भी। टीम तो अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन ट्रेंट बोल्ट, हार्दिक पांड्या, कुरनल पांड्या जैसे खिलाड़ियों की कमी अब महसूस हो रही है जब सीजन मिड में पहुंच चुका है। तो ये एक मौका हो सकता है मुंबई का कि किस तरीके से ये पहुंच सके क्वालिफाइंग मुकाबले में। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स